बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से वैसा है बामानो। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर, एक महिला एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ काफी दिनों से रेप करता रहा। शुक्रवार को पीड़िता ने इस बात की शिकायत अपने कप्तान से की तो एसएसपी ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ रेप एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से फरार है। शहर के एक थाना क्षेत्र में एसपीओ के पद पर तैनात महिला की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि उसकी बेटी का दहेज को लेकर ससुराल जनों से विवाद चल रहा है। इसी के तहत पिछले दिनों उसकी बेटी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ सांसनी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश यादव के पास है। एफआईआर में कहा गया है कि विवेचना के दौरान राकेश महिला एसपीओ के संपर्क में आया और बेटी को न्याय दिलाने का आश्वासन देने लगा। धीरे धीरे राकेश महिला का उत्पीड़न करने लगा। बीती 10 अक्टूबर को आरोपी ने महिला को रामघाट रोड स्थित थाना क्रॉसी से चंद कदम की दूरी पर एक होटल में मुकदमे की जानकारी व कागज देने के बहाने से बुलाया तथा एसपीओ वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि वह यह बात किसी को बताई तो उसकी बेटी के मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा। एसपीओ इसी डर के चलते काफी दिनों तक चुप रही और शिकायत नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्पेक्टर महिला की चुप्पी का फायदा उठाने लगा और आए दिन फोन करके होटल बुलाकर मनमानी करने लगा। वह फोन पर भी घंटों भर अश्लील बातें करता रहा। पीड़ितों ने शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही तो इंस्पेक्टर ने महिला को थाना सानती गेट बुलाकर जान से मारने की धमकी दी। शुक्रवार को महिला ने एसएसपी से मुनीराज जी को पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने कप्तान को आरोपी का ऑडियो भी सुनाया। एसएसपी ने घटना का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। निलंबित करने के बाद साथ ही मुकदमा दर्ज भी कराया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। इस घटना को जानते हुए आपको क्या लगता है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ क्या सजा दी जानी चाहिए तथा घटना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।